गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्व सिस्टम। तो आज अपन किस चीज पर डिस्कस करेंगे, नर्व सिस्टम के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो नर्व सिस्टम क्या करता है, द नर्व सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो नर्व सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, और एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो अपने बॉडी के इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस जो हैं उनको दोनों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उनको रिस्पॉन्ड करता है। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। और जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मेंटेन करने में, किसको, जो अपने हार्मोन लेवल जो है उनको मेंटेन करने में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरनल जो है वो किसके हेल्प से होता है, इंटरनल जो है वो नर्वस सिस्टम जो अपने एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करता है, दोनों के दोनों एक साथ हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दोनों के दोनों क्या है, एक साथ काम करेंगी और एक साथ एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती हैं। तो क्या करती हैं, वो जो हार्मोन लेवल है उसको बैलेंस बना के रखते हैं। नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट प्रोवाइड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स व्हाइल एंडोक्राइन एक्टिविटी इज इन द मैन स्लोअर देन मोर प्रोलॉन्ग। नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, प्रोवाइड कराता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है किसको, एंडोक्राइन एक्टिविटी में, ठीक है। द नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व। जो नर्व सिस्टम है वो बनता किससे किससे है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और अपनी जो पेरिफेरल नर्व है उनसे मिलके क्या है, अपना नर्व सिस्टम बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व टिश्यू विद इन द बॉडी इनेबल्स रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेशन इनवॉलेंट्री फंक्शन। जो चेंजेस है इंटरनल, चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो है अपने उसके अंदर जो मेंटेन आता है होम्योस्टेसिस में और इनवॉलेंट्री फंक्शन है वो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इनवॉलेंट्री फंक्शन जो है ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल environment maintain posture and other voluntary activities। internal के अंदर क्या है, internal और external के अंदर क्या होता है, internal जो अपना environment है उसके अंदर जितने भी अपने hormone level हैं वो maintain होते हैं और external के अंदर जो अपने voluntary activities हैं वो control होती हैं। तो अपन nervous system की बात करें तो nervous system क्या करता है, नर्व सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो नर्व सिस्टम क्या करता है, अपने इनसाइड इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्या है, टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, और अपना होम्योस्टेसिस क्या है वो मेंटेन होता है। नर्व सिस्टम स्टिमुलेट प्रोवाइड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स व्हाइल एंडोक्राइन एक्टिविटी इज इन द मैन सोर एंड मोर प्रोलॉन्ग। द नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व। जो अपना नर्व सिस्टम है वो बनता किस किस से है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और अपने पेरिफेरल नर्व से बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व टिश्यू विद इन द बॉडी enable rapid communication between different part of the body। Organization nerve tissue within the body enable rapid communication between different part of the body। Response to changes in internal environment maintain homeostasis and regulation involuntary function। जो अपने internal environment है उसके अंदर क्या क्या होता है, homeostasis को maintain करता है और जो अपने involuntary functions जो है उनको क्या है, regulate करते हैं। और external environment के अंदर क्या है, पोस्चर मेंटेन होता है और जो अपनी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है वो क्या है, मेंटेन होती है।
फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ग्रुप एज फॉलोइंग। स्टडी के हिसाब से और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या है, इसको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा आपका CNS, सेकेंड कौन सा है PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है, कंसिस्ट ऑफ द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टडी के हिसाब से जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं CNS बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। CNS कंटेनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, किससे बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और पे जो PNS है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा जो है वो कंसिस्टिंग ऑफ ए ऑल द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द PNS कंप्रेस पेयर क्रेनियल एंड सेक्रल नर्व, समटाइम सम ऑफ दीज आर सेंसरी एफरेंट और सम और मोटर एफरेंट एंड सम मिक्स। PNS के अंदर कौन सी होती है, एफरेंट और एफरेंट और कुछ क्या है, मिक्स नर्व प्रेजेंट होती हैं। जो एफरेंट होती है वो कौन सी होती है, सेंसरी होती हैं, एफरेंट होती है वो मोटर होती हैं और कुछ क्या है, मिक्स होती हैं। इट इज यूजफुल टू कंसिडर टू फंक्शनल पार्ट विद इन द PNS। तो जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टडी के हिसाब से दो भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक CNS है और एक PNS है। CNS है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, PNS है जो अदर बच गया, ठीक है, आउटसाइड की जो नर्व है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की उनसे बनता है। PNS के अंदर क्या क्या रहता है, सेंसरी नर्व रहती हैं, मोटर नर्व रहती हैं। सेंसरी कौन सी होती हैं, एफरेंट होती हैं, और मोटर कौन सी होती हैं, इफरेंट होती हैं। और कुछ नर्व जो है वो एफरेंट और इफरेंट दोनों मिक्स होती हैं। नेक्स्ट है अपना सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। तो सेंसरी में क्या था, सेंसरी जो है उनके अंदर क्या है, अपनी एफरेंट होती हैं, ठीक है, और मोटर के अंदर क्या होती हैं, अपनी इफरेंट होती हैं। तो दो डिवीजन हो गए अपने, कौन से डिवीजन है, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। इन टर्न द मोटर डिवीजन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, जो मोटर डिवीजन है वो कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वॉलेंट्री में सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है किसका, वॉलेंट्री मसल्स का। इनवॉलेंट्री में क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी हैं, फंक्शनिंग ऑफ द स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स। द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हैज टू पार्ट, सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक। जो ऑटोनॉमिक है उसको फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर किया गया है, कौन से, सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक। जो अपने डिवीजन है वो कौन से हैं, सेंसरी डिवीजन, एक मोटर डिवीजन होता है, ठीक है। मोटर डिवीजन है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों इन्वॉल्व होती हैं। वॉलेंट्री के अंदर क्या है, सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है। सोमेटिक में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है अपना इन्वॉलंटरी का वो क्या है, खुद अपने आप में दो भागों में डिवाइड किया होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में। जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया, फंक्शनल कंपोनेंट दिखाए गए हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। तो सीएनएस है, ठीक है, ये जो है सेंसरी डिवीजन है और ये अपना क्या है, मोटर डिवीजन है। सेंसरी डिवीजन में कौन क्या आता है, सेंसरी रिसेप्टर आते हैं जो क्या करते हैं, जैसे सेंस है, ठीक है, सेंस है, साइट है, हियरिंग है, स्मेल है। सेंसेस कौन से आते हैं, साइट साइट हियरिंग स्मेल टेस्ट टच, ठीक है। और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, केमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर और ऑस्मो रिसेप्टर, ये क्या है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। देन आफ्टर क्या है अपना मोटर डिवीजन, मोटर डिवीजन में क्या है, एफरेंट ऑर्गन्स हैं, सोमेटिक में क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलेंट्री में, और ऑटोनॉमिक में क्या है, इन्वॉलेंट्री में कार्डिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड कौन से, सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक डिवीजन में है। नेक्स्ट अपना है न्यूरॉन। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वेस्ट नंबर ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वेस्ट नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर क्या है अपना नर्वस सिस्टम बनता है, सपोर्ट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोगेंग्लिया। और किसके द्वारा सपोर्ट रहता है, एक स्पेशल टाइप का क्या है कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरोगैंग्लिया। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड इट प्रोसेस वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। जो प्रत्येक जो न्यूरॉन है वो किससे बनता है, सेल बॉडी से बनता है, एंड इट्स प्रोसेस वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। एक इसके अंदर क्या है, एक्सॉन होता है और बहुत सारे क्या है, डेंड्राइट्स होते हैं।
न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू सिंपली एज नर्व सेल। न्यूरॉन्स जो है वो कॉमनली किससे रेफर करते हैं, नर्व सेल को रेफर करते हैं। बंडल ऑफ एक्जॉन बाउंड टूगेदर आर कॉल्ड नर्व। जो बंडल है एक्जॉन का उसी को अपन क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। नर्व कैन नॉट डिवाइडेड एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जो न्यूरॉन्स हैं उनको क्या है, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इनको क्या है कंटिन्यू सप्लाई चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की। अनलाइक मैनी अदर सेल न्यूरॉन्स कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी एटीपी ओनली फॉर ग्लूकोज। तो जो न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेस्ट नंबर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से मिलके क्या बनता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके क्या अपना नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है, क्या करता है सपोर्ट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और इनको क्या है सपोर्ट रहती है किसकी, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की क्या है इनको सपोर्ट रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं न्यूरोगैंग्लिया बोलते हैं। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, प्रत्येक जो न्यूरॉन है वो किससे बनता है, सेल बॉडी से बनता है। एंड इट प्रोसेस वन एक्जोन एंड मैनी डेंड्राइट्स, एक इसके अंदर एक्जोन होता है और बहुत सारे क्या है डेंड्राइट्स होते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू सिंपली एज नर्व सेल। न्यूरॉन्स जो है उनको अपन कॉमनली कैसे रेफर करते हैं, सिंपली एज नर्व सेल में। बंडल ऑफ एक्जोन बाउंड टूगेदर आर कॉल्ड नर्व। जो बंडल है किसका, एक्जोन का, उनको अपन क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। नर्व कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जो नर्व है उनको क्या है, न्यूरॉन्स जो हैं उनको क्या है अपन डिवाइड नहीं कर सकते, और उनको क्या है कंटिन्यूस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। अनलाइक मैनी अदर सेल न्यूरॉन्स कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी ओनली फॉर फॉर्म ग्लूकोज। द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम आर नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल विच आर टू टिनी इलेक्ट्रॉन चार्जेज। द फिजियोलॉजिकल यूनिट है किसकी, द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम आर नर्व इम्पल्स। फिजियोलॉजिकल यूनिट है नर्व सिस्टम की वो क्या है, नर्व इम्पल्स है और एक्शन पोटेंशियल विच आर टू टिनी इलेक्ट्रॉन चार्जेज। हाउएवर अनलाइक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल वायर दे न्यूरो नर्व आर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। इन इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इम्पल्स इज मेंटेन थ्रू द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इम्पल्स इज मेंटेन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स। सम न्यूरॉन इनिशिएट नर्व इम्पल्स व्हाइल अदर एक्ट एज रियली सेशन विच इम्पल्स आर पास ऑन समटाइम।
नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूरॉन्स की, जिसके अंदर क्या डेंड्राइट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन हिलॉक दिखाए गए हैं, एक्सॉन दिखाया गया है, ये क्या है, सारे के सारे नोड दिखाए गए हैं, टर्मिनल बंडल दिखाए गए हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है और एक क्या है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज में क्या है, न्यूरॉन्स है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी इज एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। आउट बॉडी के आउटसाइड में क्या 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 होते हैं, टचेस, लाइट लाइट वेव का, और इनसाइड में क्या है, चेंजेस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, अल्टर रेस्पिरेशन थ्रो में रिजल्ट इन वॉलेंट्री मूवमेंट। आउटसाइड में क्या है, टच और लाइट वेव का स्टिमुलेशन के बारे में रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, और इनसाइड के अंदर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड अल्टर रेस्पिरेशन थ्रो में रिजल्ट वॉलेंट्री मूवमेंट। इन द बॉडी इज स्टिमुलेट बाय द डिस्क्राइब एज इलेक्ट्रिकल एंड पार्टिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इन मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व एंडिंग इनिशिएट नर्व इम्पल्स एंड केमिकल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन वन न्यूरोन एंड द नेक्स्ट ऑफ बिटवीन न्यूरोन एज इफेक्टिव ऑर्गन। कंडक्टिविटी मीन्स का क्या मीन्स होता है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट इन एन इम्पल्स। तो कंडक्टिविटी का मीन्स क्या है, एबिलिटी किसमें, ट्रांसमिशन की, इम्पल्स ट्रांसमिशन की एबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी बोलते हैं।
तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, सेल बॉडीज पे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में किस पे डिस्कस करेंगे, सेल बॉडीज पे। थैंक्स टू ऑल।